कश्मीर में जबरदस्त घेराबंदी से बौखलाए आतंकी अब बेकसूरों को बंधक बनाने जैसी कायराना हरकत पर उतर आए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के बटोत इलाके में आतंकियों ने एक परिवार को बंधक बना लिया। उधर गांदरबल में भी मुठभेड़ हुई है जहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों ने श्रीनगर के डाउनटाउन में ग्रेनेड से हमला किया है। पंजाब में आतंकी साजिश वाले 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुए हैं। पंजाब सरकार ने बताया है कि अभी तक 2 ड्रोन बरामद किए गए हैं जिनका इस्तेमाल सीमा पार से हथियारों को यहां पहुंचाने के लिए किया गया था। भारतीय नौसेना ने अपनी स्वदेश निर्मित कलवरी श्रेणी की 2 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खंडेरी को सेवा में शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इसे आईएनएस खंडेरी के नाम से जाना जाएगा। नौसेना की पश्चिमी कमान के एक अधिकारी ने बताया कि खंडेरी को मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। अपने अमेरिकी दौरे को खत्म कर पाकिस्तान लौट रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अब तक की खबर के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी टोरंटो के पास हुई और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर विमान को उतारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विकास, पर्यावरण, आतंक, लोकतंत्र, जन कल्याण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र नहीं किया लेकिन पड़ोसी मुल्क को कड़ा संदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान के आरोपों का करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहले सचिव विदिशा मैत्रा ने इमरान खान के हर दावों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए एक एक कर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसे खरी खरी सुनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी के सीनियर नेता अजीत पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े ने अजीत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बागड़े ने कहा है कि पवार ने इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश की बढ़ती आबादी, सेकेंड स्टेज कैंसर और इससे काबू करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये 4th स्टेज का कैंसर बन जाएगा जो लाइलाज होगा। गिरिराज सिंह ने ये बातें जनसंख्या नियंत्रण पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को वकील हरीश सालवे का बकाया चुका दिया। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज ने अपने निधन से कुछ देर पहले ही कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय वकील हरीश सालवे को उनकी 1 रुपए की फीस देने के लिए बुलाया था लेकिन हरीश सालवे को उनकी फीस मिलने से पहले ही सुषमा स्वराज का निधन हो गया था। श्रीनगर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 15 अक्टूबर से दोबारा खुल जाएगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले एनआईटी कैंपस को बंद कर दिया गया था और क्लासेस रद्द कर दी गई थी। दूसरे राज्यों के छात्रों को घर भेज दिया गया था। एनआईटी प्रशासन की ओर से हॉस्टल खाली करने के आदेश के बाद यहां के छात्रों में खलबली मच गई थी। फिलहाल घाटी के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटते ही संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर बराला ने कहा कि हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन था ही नहीं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट पर अड़े हुए हैं। इसके लिए उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और हरियाणा के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। बेटी आरती के टिकट के लिए उन्होंने पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएमओ से वक्त भी मांगा है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग जो है वो हुई है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष किरण चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी सलाह ली गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से पहले रिपोर्ट फिर वोट मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत कांग्रेस लोगों से व्हाट्सएप और ऐप के जरिए संपर्क किया जाएगा। गुरुग्राम से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच पुलिस ने कार में 30 लाख की नकदी ले जाते 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान प्रदेशवासियों को हरियाणा की मनोहर सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अभी तक 80 से 70 रुपए किलो के भाव से मिलने वाले प्याज को सरकार 31 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को राशन डिपो के माध्यम से रियायती दर पर देगी। सरकार के इस फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है। बिहार की राजधानी पटना में बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के पानी का निकास न होने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं नाले ब्लॉक होने की वजह से कई कॉलोनियों में गंदा पानी भी भर आया है। लोगों को आवागमन मुश्किल हो रही है। यूपी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश के कारण यूपी के अलग अलग जिलों में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की आशंका और जल भराव के कारण तमाम लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बरेली में सरकारी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां आग लगने से गंभीर रूप से झुलसी हुई महिला का इलाज करने के बजाय डॉक्टर एम्बुलेंस के ड्राइवर और उसके साथी से मारपीट और अभद्रता करते देखे गए। दरअसल रामनगर सीएचसी केंद्र की एक घरेलू कलह में मिट्टी का तेल डालकर झुलसी महिला को जब मझगांव सीएचसी इलाज के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर घायल महिला को देखकर नाराज हो गए। बाराबंकी में एक नहर की जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। नहर में शराब के पौवे बहते नजर आ रहे हैं, जिन्हें लूटने की होड़ सी मच गई। नहर से जो जितना निकाल पाया वो उतना अपने साथ लेकर गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक करने में जुटी हुई है। शराब जहरीली हो सकती है, इसका सेवन ना करें। हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट में अव्यवस्थाओं से सीएम त्रिवेंद्र सिंह नाराज हो गए। सीएम के पहुंचने के बाद भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होने से वो नाराज हो गए। वेल के कन्वेंशन हॉल में रूम की व्यवस्था नहीं होने पर भी सीएम ने नाराजगी जताई। भारत के पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए मिल रही ट्रेनिंग से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो उनको ऐसा कोई भी एथलीट नजर नहीं आता जो देश के लिए पदक जीत सके। इस वक्त भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन महिला मुक्केबाज सरिता देवी ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स के बाद अपने संन्यास पर विचार करेंगी। सरिता ने बताया है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक पदक जीतना है और उसके बाद ही वो संन्यास पर फैसला लेंगी। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के दीपक पुनिया ने पुरुषों के 46 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन दीपक ने चोट के कारण विश्व चैंपियनशिप के फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा अब बदले हुए रोल के साथ मैदान पर उतरेंगे। इस पर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर चुने जाने पर कहा है कि अभी टेस्ट में सलामी बल्लेबाजी ही एक ऐसी जगह है जहां वो खेल सकते हैं। टीम में नंबर 4 को लेकर चल रहे घमासान के बीच सुरेश रैना ने टीम में नंबर 4 के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। रैना ने कहा है कि मैं भारत के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकता हूं। और हिंदी सिनेमा के सुरों की मलिका लता मंगेशकर आज 90 बरस की हो गई हैं। लता मंगेशकर ने बॉलीवुड को अपनी आवाज से सजे एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे और एक्टर रणवीर कपूर का बर्थडे बैश उनके घर पर मनाया गया। रणवीर की इस बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक सितारे नजर आए। फैंस को लंबे समय से जिस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। शाहरुख खान के प्रोडक्शन में बनी इमरान हाशमी की नई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है।